शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। एक बार के लिए मेरे भैया तो सुधर भी जाते, लेकिन इस मजनू ने संजना, these guys are just like crabs. एक सुधरना चाहता तो दूसरा उसकी टांग खींचकर नीचे ले आता है। शायद हमारी किस्मत का यही फैसला है। नो संजना, हमारी किस्मत का फैसला अब मजनू भाई साहब नहीं करेंगे, बल्कि उनकी किस्मत का फैसला हम लोग करेंगे। आपका नाम ही गलत है मजनू जी, बल्कि आपका नाम ऐसे शुरू होना चाहिए। हाँ, मेरा असली नाम तो सागर है। देयर वी गो। सागर जी, जरा माथे पर शिकन लाइए प्लीज। 18 साल की उम्र में आपका इश्क किसी लड़की के साथ हुआ था? शर्माइए नहीं, ऊपर देखिए, जरा और गहरा करिए। यू यू ऐसे। उस लड़की का नाम आई से शुरू होता है, याद आई? इरावती। इरावती। संजना, जिस लड़की से इनका प्यार हुआ था, उनके भाइयों ने एक बार इनके हाथ पांव तोड़े थे। Am I right? खाली हाथ तोड़े थे, पैर तो दौड़ते दौड़ते गटर में गिरने से टूट गया। That's honesty, that's honesty. Because of इरावती आप क्राइम वर्ल्ड में आए, right? गुरुदेव। क्योंकि उनके पिताजी ने कहा कि आप नाम कमाइए, पैसा कमाइए, पैसा कमाने के चक्कर में आपने किसी का मर्डर कर दिया और भागते भागते यहाँ पहुंच गए। वो सब तो पिछली बातें हैं राजीव भाई, आगे क्या होगा? वही प्यार अब लौट कर आपकी जिंदगी में वापस आएगा। फिर बच्चों का क्या होगा? कौन बच्चे? उसके 4 बच्चे हैं, अगर वो मेरी जिंदगी में आती है तो उसके बच्चों का क्या होगा राजीव भाई? नहीं नहीं, बच्चे उसके पास ही रहेंगे, और इरावती आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। इरावती जैसी लड़की आपकी जिंदगी में वापस आएगी, जिसका नाम आई से शुरू होगा। एक मिनट, जरा माथे पर शिकन लाना फिर से। नहीं नहीं, डराइए मत, जरा कम। हाँ लो, उसे तो आ जाना चाहिए था। अच्छा अच्छा, अभी समझा। ये पेंटिंग, ये सब आप कैद करके क्यों रखते हैं घर में? इन्हें बाहर निकालिए। बाहर तो बारिश वारिश होती ना भाई, भीग जाएंगी ना। नहीं, बाहर का मतलब बाहर नहीं, बाहर का मतलब एग्जीबिशन या फिर कोई ऑक्शन। और वैसे भी मैं कब काम आऊंगा? आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा ये सब ऑक्शन कराने में। और हो सकता है कि इस आर्ट की वजह से आपको यू नो वो आई वाली लड़की मिल जाए। All right. And now I present the painting of a new artist, Mr. Sagar. Well, this painting is called Rocking Horse. We start the bid at $10,000. 12. 14,000. 16,000. 16,000 dollars. 18,000 dollars. 22. 25,000 dollars. 25,000 dollars. Well, 25,001. 50,000. Let's see if anybody goes ahead. 50,001. $50,000 two. $50,000 three. Sold. And this lovely painting is sold to Miss Ishika. Ow! Leila. Thank you. Ishika ji, आपने इस पेंटिंग में ऐसा क्या देखा जो इन लोगों ने नहीं देखा? प्यार। मैं इस पेंटिंग को देखकर ही कह सकती हूँ कि ये आर्टिस्ट बहुत ही प्यारा इंसान है और उसके मन में बहुत सा प्यार भरा है। आई मीन देखिए ना, इन्होंने अपनी पेंटिंग से कितना प्यारा मैसेज दिया है। जी बिल्कुल। कि जब एक जानवर दूसरे जानवर का बोझ उठा सकता है, उसको इतना प्यार कर सकता है, तो हम इंसानों की जिंदगी से प्यार कहाँ खोकर रह गया? कितनी बड़ी बात कह गई आप। I really wish he was here. काश मैं उनसे मिल पाती। अरे अरे इशिका जी, your wish has come true. वो महान कलाकार हम लोगों के बीच में ही है इस वक्त, मिस्टर सागर पांडे। ये तुम लोग भी चलो ना मेरे साथ। थैंक यू सागर जी,
इसीका जी। सुपर फैंटास्टिक आई मीन माइंड ब्लोइंग पेंटिंग सागर। आई होप यू डोंट माइंड मी कॉलिंग यू सागर। नहीं, अच्छा है। वो क्यों माइंड करेंगे? मैंने बहुत बड़े बड़े पेंटर्स की पेंटिंग्स खरीदी हैं। इट्स माई पैशन यू नो। लेकिन आपकी पेंटिंग देखकर आई एम योर फैन नाउ। थैंक यू। आई वॉन्ट योर ऑटोग्राफ। ये पेने क्या है? सॉरी आज भूल गया भाई। पेंटिंग देखकर मुझे ही लगा था कि किसी बहुत ही मैच्योर इंसान ने बनाई होगी। बट यू क्वाइट यंग। बाय। भाई लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। भाई ये तो बहुत मस्त पेंटिंग बनाई आपने। अरे अभी मांग में सिंदूर भरना बाकी है। हेलो। मैं ही बोल रहा हूँ। अच्छा हूँ। और आप? मेरा तो बहुत बुरा हाल है सागर। आपकी ये पेंटिंग मुझे सोने ही नहीं दे रही। आप चाहे मुझे बेशर्मी कहें, but I think I've fallen in love with you. अगर यकीन नहीं आ रहा हो तो मेरे दिल की धड़कन सुन लीजिए। मेरे भी दिल का यही हाल है इशिका। मैं भी तुम्हारे लिए पेंटिंग बना बना के जाग रहा हूँ। मेरे को तुमसे बहुत प्यार हो गया है। छूटे अपने दिल की धड़कन सुनाओ। ओह माय सागर, यू सो स्वीट। कल मेरा बर्थडे है। व्हाई डोंट वी स्पेंड द इवनिंग टुगेदर, जस्ट यू एंड मी। क्या बात है, अभी से नाचने लग गए हो। कल इटली तो पहुंच जाने दो। इटली? हाँ, उदय भाई साहब और आपकी मीटिंग फिक्स हुई है ना आरडीएक्स के साथ। क्या हुआ, खुशी नहीं हुई? हाँ। कोई टेंशन तो नहीं है ना? बहुत बड़ा टेंशन है। कल इशिका का बर्थडे है। शाम को साथ में रहने का प्रोग्राम बनाया है। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें पता तक नहीं चला है। सब कुछ चुप चुप के हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। राजी, हाँ एक काम करना, वो उदय भाई का हाथ देकर उन्हें बोल देना कि कल का प्रोग्राम कैंसल। नो नो, उनकी नो, जान को खतरा है। सागर जी बुरा मत मानिएगा, एक बात बता दूं, मुझसे कभी झूठ नहीं बोला जाता। बाय द वे ये प्रॉब्लम आपने खुद क्रिएट की है। अच्छी भली शूटिंग चल रही थी, खामखाम जाकर उस डायरेक्टर को मार दिया आपने। अगर शूटिंग चल रही होती तो उदय भाई साहब ये शूटिंग कैंसिल करते, इटली विटली जाते। नहीं कभी नहीं। हे राजू भाई, वो डायरेक्टर तो साला तुम्हारा दोस्त है, ये शूटिंग वूटिंग चालू करवाओ ना। आपको याद है ना आपने थप्पड़ मारा था उनको? वैसे भी वो जिद्दी आदमी मानेगा नहीं। कैसे नहीं मानेगा, उसका बाप भी मान गया। चल रहा है। मुझे अच्छी नहीं लगती आपकी बात बात पे, आप फैमिली पे क्यों चले जाते हैं, आसीन के ऊपर कर लेते हैं। यही बात आप प्यार से भी उस डायरेक्टर को समझा सकते हैं। राजीव भाई तुम नाराज मत हो, प्यार से समझाना ना, समझाएंगे। वैसे भी ये प्यार भी बहुत प्यारा होता है। अब भी यकीन नहीं आ रहा संजना कि इम्पॉसिबल काम पॉसिबल कैसे हो गया। लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास था कि अपने प्यार को पाने के लिए तुम ये लड़ाई जरूर जीतोगे। What do you think of yourself? Lucky, सुनो। मजनू और उदय को सही रास्ते पे लाने की हिम्मत कैसे हुई? गए थे मेरी Lucky, पूरी बात तो सुनो। तू सब। Sorry Lucky, sorry sorry। मुझ पे हाथ उठाया? RDX के बेटे पे? I'm gonna kill you. Lucky no. हटो संजना। I'm going to finish you. संजना तुम हटो यहाँ से। हमारा धंधा बंद करवाएगा तू? Lucky मेरी बात। हमारे आदमियों को खराब करता है। मुझे गोली मारेगी। अरे गोली मार, नहीं नहीं छोड़ूंगा इसको। लकी रुक जाओ। क्या Thank you.
ये गोली मेरे हाथों चली है, लकी की जान मैंने ली है। Did you hear me? चलो यहां से, चलो। ये तो जिंदा है। मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। पार्टी कहाँ? ले आओ भाई, ले आओ। राजीव भाई, आप टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। यही है वो पार्टी। सॉरी सॉरी। सॉरी। हेलो। सॉरी सॉरी। ये किस पर गोली चलाई तूने? हाँ भैया, मैं समझा रहा हूँ संजना, मैं समझा रहा हूँ। मैं आप चुप, अब मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई। कंट्रोल। पार्टी गई। कंट्रोल। उदय भाई, लाशें बिक जाएंगी हम सबकी। अरे कैसे बताएंगे आरडीएक्स सर को कि उनके बेटे? सर, आरडीएक्स सर की आप टेंशन मत लो, वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। उनको मैंने बता दिया है कि उनके बेटे को गोली लगी है और वो यहाँ हॉस्पिटल में है। रीतो, उनको ये बताने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? क्यों बताया? हट जा सर। यू बास्टर्ड, आई विल किल यू। बास्टर्ड और किल यू बोल रही है? नहीं नहीं, ये दिया बुझने से पहले जो एक बार जोर से भभकता है ना, वही है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब इसका तेल खत्म हो चुका है और किसी भी पल इसकी गर्दन लुढ़क सकती है। यानी कि आरडीएक्स सर को अपने बेटे से बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है कि हम उन्हें कोई भी झूठी कहानी बोल सकते हैं। कुछ भी बोलो उदय भाई, लड़की बहुत इंटेलिजेंट भी है। थैंक यू। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मर तो जाएगा ना? अरे गारंटी के साथ मर जाएगा। तो फोन करके शमशान में इसकी जगह रिजर्व करवा लूं?